इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश में बिक रही है पाकिस्तानी चीनी और इसके खिलाफ महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया है। हम आपको जो तस्वीर अब दिखाएंगे वो तस्वीर महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की नवी मुंबई की। नवी मुंबई में पाकिस्तानी चीनी को तहस नहस किया गया है। ये देखिए, ये तस्वीर आपके सामने है। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस, राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोला है नवी मुंबई में पाकिस्तानी चीनी के खिलाफ। ना पाकिस्तानी चीनी बांटने दी जाएगी ना बेचने दिया जाएगा। इस कसम के साथ एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी चीनी की खेप को तहस नहस कर दिया है। एमएनएस का कहना है, देश में जब गन्ना किसान हैं, चीनी का उत्पादन हो रहा है, तो पाकिस्तान से चीनी क्यों आ रही है। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने भी पाकिस्तानी चीनी के बोरों को फाड़ा। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, एनसीपी कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं। सौरभ मल्होत्रा नाम के आदमी ने 4500 मेट्रिक टन शक्कर मंगाई थी, उसमें से 2000 मेट्रिक टन ये चार गोडाउन में छुपा के रखी थी, जिसकी तलाश हम कर रहे थे। आज सुबह हमें ये मिल गया और ये हमने आपके सामने दिखा दिया है। ये सरकार जब सत्ता में आई तो पाकिस्तान को गालियां देके आई। आज भी जब भी देश का माहौल खराब करना होता है तो पाकिस्तान का नाम लेती है। हमारे मोदी साहब एक दिन क्या नवाज शरीफ के घर पे गए बिरयानी खा के आए? लगता है उस दिन नवाज शरीफ ने उनको शक्कर भी खाने को दी और उनको यह लगने लगा कि देश के शक्कर से यह शक्कर, यह चीनी ज्यादा मीठी है और इसलिए सरकार अब पाकिस्तान की शक्कर मंगा रही है। एक तरफा हमारे काश्तकार मर रहे हैं, जो गन्ना उगाने वाले काश्तकार है मर रहे हैं, चीनी का उद्योग खत्म होने को आया है, उसके ऊपर तुम पाकिस्तान से शक्कर मंगाते हो। कहा जाता था कि जख्म पे नमक मत डालो, लेकिन यह सरकार ने जख्म पे पाकिस्तान की शक्कर डाली। एक तरफ विरोध होता है पाकिस्तानी क्रिकेटरों को, पाकिस्तानी ये कितने नौटंकी है, ये कितने नाटककार है, ये कितने कलाकार है, इनमें का अमिताभ बच्चन दिखाई दे रहा है। आपको पाकिस्तान की शक्कर चलती है लेकिन और कुछ चलता नहीं। एक तरफ मोदी भी कहते थे कि सैनिकों को जो मार रहे हैं पाकिस्तान, उसके खिलाफ 56 इंच का, तो मैं वही बोल रहा हूं ना कि हमारे जख्म पे मीठ लगाने का, नमक लगाने का काम किया जा रहा है, ऐसा हम समझ रहे थे। मोदी साहब ने तो पाकिस्तान की शक्कर लगा दी। महाराष्ट्र में ऑलरेडी 17,000 मेट्रिक टन शुगर अवेलेबल है, उसके बाद 65,000 मेट्रिक टन शुगर लाने की कोई जरूरत नहीं थी किसी भी देश से, और उसके ऊपर आप पाकिस्तान से अगर शुगर मंगाते हो तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उसका विरोध करेगी। ऐसा अंदेशा है कि और 2.5 लाख मीट्रिक टन शुगर इस बार उत्पन्न, मतलब उसका उत्पादन होने जा रहा है, तो सरप्लस शुगर मार्केट में अवेलेबल ही है। हमको चाहिए कि ये हम ये शुगर को निर्यात करें, ना कि किसी के पास से आयात करें। ये एक उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट हुआ है, और दूसरा है वो बहुत ही इमोशनल एस्पेक्ट है कि पाकिस्तान से तो बिल्कुल नहीं। हम सीधे रुख करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता ऋत्विक भालेकर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ऋत्विक, जरा समझाइए, एमएनएस और एनसीपी के ये जो तेवर हैं पाकिस्तानी चीनी से, सरकार भारत के किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है, जवाब में कहा क्या जा रहा है सरकार की तरफ से, या पूरी तरीके से बैकफुट पर सरकार?